الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني قولي رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير حاضرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج هم सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका है आसान अरबी ग्रामर मैं आपका भाई डॉक्टर खालिद हकीम सऊदी अरबिया के शहर जद्दा से आप सबका खैर मकदम करता हूँ इस प्रोग्राम में जो कि हमारा तकरीबन पाँच से छः महीने तक चलेगा इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम कुरान अजीम को उस जबान से सीखने की कोशिश करेंगे जिस जबान से कुरान मजीद को नाजिल किया गया है यानी अरबिक ज़बान जैसा कि अल्लाह तबारक ने बार बार कुरान मजीद में इस चीज़ का जिक्र किया कि अल्लाह तबारक तआला ने आप के ऊपर कुरान मजीद को मिन अरबी मुबीन, यानी एक जुबान यानि अरबी ज़ुबान में नाजिल किया है चुनाची हम लोगों की जो बेसिक ज़ुबान है पहली जुबान है मादरी जुबान है वो अरबिक नहीं है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि कुरान मजीद को उसकी ज़ुबान में सीखा जाए अब जो हमारा एक कोर्स रहेगा इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी हमारी कोशिश ये होगी कि बेसिक चीज़ से यानी बुनियादी तरीके से आपको इस प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन दी जाए यानी अलबातास से लेके जो बेसिक बुनियादी चीज़ है जिसने मामूली साबी उर्दू ज़बान यानी उसके बारे में इम होगा वो भी इस कोर्स के अंदर अपने आप को पाएगा और इन शमस्तान इस कोर्स के अख्ताम के बाद काफ़ी हद तक वो कुरान मजीद को समझ सकता है और कुरान मजीद को तर्जुमे के बगैर जब उसके सामने पढ़ा जाए या वो पढ़ेगा तो वो कुरान मजीद को एक अलग उसलूब से पाएगा क्योंकि ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत इस कॉर्स के बाद इनशा नहीं होगी देखिए हम तकरीबन 20 साल से सऊदी अरबिया के इस शहर यानी जद्दा से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं यहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ यानी अमर बिन मारूफ व नहीं अनिल मुनकर उनके अंदर जो इदारे चलते हैं मरकज जालियात उस प्रोग्राम के तहत उस सेंटर के तहत हमने भी इस कुरान अज़ीम के इस प्रोग्राम को सीखा है और हमारे ज़रिए से भी इस मजीद के प्रोग्राम को बहुत सारे सालों से अल्लाह तबारक तआला ने हमसे काम लिया है और इसको आगे बढ़ाया है हमारे जो लेक्चरस है ये हफ्ते में दो बार होते हैं ऑफलाइन भी होते हैं ऑनलाइन भी होते हैं जो लोग सऊदी अरबिया में रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं उनकी क्लासेस भी हफ़्ते में दो बार होती है और कोविड के बाद हमने ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठाया और दुनिया भर में मुख्तल इलाकों से हमारे लोग हमसे लोग जुड़ते हैं और हर साल इस प्रोग्राम को हम मनकद करते हैं कुछ चीज़ें बताता चलूँ इस प्रोग्राम को या आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले क्योंकि आज हमारा पहला लेक्चर होगा इसमें कुछ बुनियादी बातें आपसे बयान की जाएंगी सबसे पहली बात कि कुरानी मजीद को अरबी ज़ुबान में नाजिल किया गया है और कुरान मजीद हमारे लिए हिदायत का चराग है और कुरानी मजीद का सीखना बहुत आसान है अल्लाह तबारा तौ ने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया है जिस आयत को मैं हमेशा आपके सामने तिलावत करता हूँ बदाउलरजीम अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक मैंने इस किताब को यानी कुरान को आ, आसान तरीके से नाजिल किया गया है यानी इसको नाजिल किया है आसान तरीके से आ, समझने के लिए फहल मदकर तो क्या कोई है जो समझने वाला हो तो इससे ये मुराद हो गया है कि कुरान मजीद समझना आसान है यानी इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको बुनियादी यानी कोई भी आप मरव तालीम से आरास्ता हो मगर चूंकिरबिक एक ज़ुबान है इसको सीखना बहरहाल हमारे लिए ज़रूरी है और आरबिक जानने के बाद आप इनशा मुमुस्तान कुरान का जो मकसद और मुदा है अल्लाह तबारा का जो पैगाम है उसको हम समझ सकते हैं दूसरी बात यहाँ पर आप ये जान लीजिएगा कि हमारा कतई मकसद इस प्रोग्राम का ये नहीं है कि हम आपको बोलचाल की अरबी सिखाएं देखिए बोलचाल की अरबी में बहुत सारा स्लैंग्स इस्तेमाल हुए हैं यानी अरबी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ हुए हैं क्योंकि मुख्तलिफ लोग अलग अलग कल्चर जब एक जगह जमा होते हैं तो अरबी या किसी भी ज़ुबान की अपनी जो पहचान है वो कहीं ना कहीं मतलब एग्जैक्ट नहीं होती तो बहुत सारे और ममालिक के अल्फाज स्लैंग्स या कोई लफ्ज जिसको पूरा नहीं बयान किया जाता है हर एक जुबान के साथ ये मामला है अरबी जुबान के साथ भी ये मामला है मगर चूंकि अल्लाह तबारक ताल की जो किताब है कुरान मजीद ये एक कामिल तरीन यानी अकमल तरीन अरबी पे नाजिल हुई है जिसमें ग्रामर का भी इस, मतलब इस्तेमाल है बल्कि हाइस्ट क्लास जो ग्रामर है वो अरबिक का जो कुरान मजीद से ही है तो हमारी कोशिश जो होगी कुरान मजीद का जो अरबिक है उसको सिखाया जाए न कि बोल चाल की अरबिक मुमकिन है कि जब आप इस लेक्चर को या इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे तो मुमकिन है कि जब आप किसी से बात करेंगे अरबी ज़ुबान में तो वो शायद न समझे तो इसका मतलब इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि ये बोल चाल की अरबी नहीं है ये कुरान मजीद की अरबी है क्योंकि हमारा मकसद बोल चाल की अरबी में हम किसी से बात कर पाए या ना कर पाए वो हमारा मकसद नहीं हमारा मकसद ये है कि पुरानी मजीद जो एक हमारे लिए हिदायत का चिराग है उसको हम समझें उसको हम अच्छी तरह से समझे और उस पर हम अमल करें तीसरी बात कि ये जो हमारी सीरीज है ये इन रमजान तक चलेगी या रमज़ान के बाद भी चलेगी इसमें हमारे पास दो हिस्से होते हैं पहला हिस्सा जिसको हम कहते हैं आसान अरबी ग्रामर बेसिक बुनियादी और उसके बाद है आसान अरबी ग्रामर एडवांस पहला जो हमारा सेक्शन है जो तकरीबन पाँच से छः महीने तक चलता है इसमें हम अरबिक ग्रामर को बहुत ही आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं जो बुनियादी इसके कवायद है रूल्स है रेगुलेशंस है मिसालों के ज़रिए मजीद से सिखाने की कोशिश कोशिश करते हैं उसके बाद जब आप बेसिक कंप्लीट करते हैं तो आप एडवांस कोर्स में शामिल हो जाते हैं और एडवांस कोर्स में डायरेक्टली हम कुरानी मजीद के आयात को उठाकर जैसे जैसे हमने तजवीद में भी ऐसा ही किया उनको उठाकर एक एक आयत को उठा के हर एक लफ्स हर एक हर्फ की ग्रामेटिकल एनालिसिस करते हैं ताकि आप कुरान मजीद का खुद से ट्रांसलेशन करें आपको किसी भी जुबान की जरूरत नहीं किसी की हेल्प की जरूरत नहीं जब आप एडवांस कोर्स करेंगे अगर जो बेसिक कोर्स का हमने एक टाइम मुकर कर रखा है मतलब पांच या छह महीने एडवांस कोर्स का कोई टाइम नहीं याद रखिएगा क्योंकि एडवांस कोर्स जो है ये कंटिन्यूस चलता है मैं खुद एडवांस कोर्स में दर्ज हूँ तो ये जिंदगी भर चलेगा ताकि कुरान का सीखना सिखाना ये हमारा मकसद होना चाहिए चौथी चीज़ वो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो सीरीज हमने शुरू की है ये मरबूत है यानी इसमें है, कनेक्टिविटी है ये नहीं कि आपने एक लेक्चर छोड़ा अब आप कहेंगे कि भाई अगला लेक्चर में तो ऑनलाइन ही जरूरी नहीं कि मैं ऑफलाइन भी देख ही सकता हूं या यानी ऑनलाइन तो ये है ही यूट्यूब पे तो आ ही जाता है चले मैं आज अटेंड नहीं करूंगा अगली बार करूंगा तो ये होता है कि पाइलअप होता रहता है हर दूसरा तीसरा लेक्चर अगर आप दो तीन लेक्चर छोड़ेंगे तो जो कनेक्टिविटी थी वो आप लूज करेंगे कहीं ना कहीं आप लूज करेंगे और जब पाइलअप कोई वर्क हो जाता है तो ये मुश्किल हो जाता है कि आप उसको फिर बहुत सारे वीडियोस एक साथ देखें और कंप्रहेंड करें इसलिए गुजारिश है कि आपको टाइम से पहले अवेलेबल होना पड़ेगा हमारा लेक्चर तीस से पैंतीस मिनट का हुआ करेगा इन हफ्ते में दो दिन जैसा कि आपको पता है आज जैसे हमारे पास ट्यूजडे है और अगला लेक्चर इंशाल्लाह सैटरडे में होता है जैसा कि हमने तजवीद के सीरीज में किया है उसी तरह से रहेगा वैसे हम मिसालें देंगे आपसे गुजारिश है कि आप नोट्स बनाया करें आ, क्योंकि नोट्स बनाना बड़ा फायदेमंद होता है उनसे काफ़ी ज्यादा फायदा मिलता है हालांकि हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी जो बुक हमने मुकर की है उसको भी हम शेयर करेंगे ये यानी तालीम और ताल्लम का जो सिलसिला है सीखने और सिखाने का जो सिलसिला है ये तकरीबन माशाल्लाह 20 साल से चल रहा है हमने भी अपने उस्तादों से पढ़ा और हमसे भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा उनने और लोगों से पढ़ा कोशिश हमारी और मकसद हमारा यही है कि अल्लाह की किताब को हम उसी की ज़बान में पढ़े। अब लास्ट में एक कन्फ्यूजन उसको मैं क्लियर कर लूँ कन्फ्यूजन ये है कि जब ऑलरेडी कुरान मजीद के मुतरजम तराज मौजूद है उर्दू में अंग्रेज़ी में कश्मीरी ज़ुबान में इसी तरह फ्रेंच में और भी ज़ुबानों में है तो हम कुरान मजीद को उसकी ज़ुबान में क्यों पढ़े तर्जुमा तो पढ़ ही रहते पढ़ा, पढ़ा ही जाता है तर्जुमा तो हमारे पास है ही तो इस कंफ्यूजन को जब आ, मैं इस तरह क्लियर करूं कि जब आप इस इंशाल्लाह कोर्स को पढ़ेंगे आपको मैं बहुत सारे ऐसे मामला बताऊंगा जो कि आप ट्रांसलेशन में नहीं पाएंगे जैसा मिसाल के तौर पर जब आप अपनी जबान में अपने बेटे से बच्चे से बात करते अपनी फैमिली से बात करते हैं कुछ लिटरल वर्ड्स जो होते हैं वो अगर कोई दूसरा समझेगा ना वो उसको लिटरल ही मानेगा मगर उसके अंदर जो तपिश है उसके अंदर जो एहसास है उसके अंदर जो इमोशंस है उसमें जो असल में बताने की बात है वो डिफरेंट मिसाल के तौर पर रॉबोट को हम कोई जब सिखाए वो रॉबोट उसी तरह पेश करेगा मगर उसके अंदर जो एसनस है उसके अंदर जो डेप्थ है इमोशंस है वो रॉबोट नहीं बता सकता एक और मिसाल गूगल ट्रांसलेशन जब आप फॉर एग्जाम्पल कोई पैराग्राफ लेके गूगल में डालते हैं ट्रांसलेट करने के लिए आपके सामने ट्रांसलेशन आ जाता है मगर आप खुद ट्रांसलेशन करने के बाद कभी कभी हंसते हैं क्योंकि वो सही तर्जुमा नहीं होता उस लफ्ज़ का जो लफ्ज गूगल में हमने एज ए ट्रांसलेशन डाला है इसी तरह कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पे ऐसे मकाम आप पाएंगे कि वो ट्रांसलेटर कभी अपनी जुबान से या उस जबान में जिसमें वो ट्रांसलेट कर रहा है वो देखेगा ही नहीं पाएगा ही नहीं एग्जैक्ट लफज ही नहीं मिलेगा और कुरान मजीद इस हिसाब से सबसे यूनिक बुक है कि इस किताब की हंड्रेड ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है मुमकिन है नाइनटी परसेंट हो नाइनटी फाइव परसेंट हो मगर पुरानी मजीद का जो एसेंस है एक्चुअल एसेंस वो उसकी उस जबान में सीखने में है जिस ज़बान में ये नाजिल हुआ है ठीक है तो इन बुनियादी बातों के बाद अब आप मैं आपके सामने आज को जो हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्टरी लेक्चर उसको मैं शुरू करूंगा अल्लाह तबारक ताल के नाम से अल्लाह से दुआ है कि हमारी इस काविश को कबूल करें और हमारे इस सफर को आसान बनाए और आखिर में मैं आपको टाइम भी दूंगा आप सवाल और जवाब भी हो सकते हैं तो चलो बिसमिला कर लेते हैं सबसे पहला हमारा जो दर्स है उसमें जो बुनियादी बातें हैं वो आपको याद रखें देखिये अगर आप उर्दू जानने वाले हैं उर्दू से शफगत रखते हैं उर्दू का आपने कभी मुताला किया है तो मैं आपको वसूख से कहूंगा कि ये जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है ये जो हमने सीरीज शुरू की है ये आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उर्दू के जरिए से हम आपको इंशाल्लाह शिखाए अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लफ्ज किसको कहते हैं क्योंकि तो कुरान मजीद अल्फाज़ से बना है और अल्फाज का जो वाहिद है इन बुनियाद है इसकी जो इकाई है वो है लफ्ज़। लफ्ज कहते हैं किसी भी चीज को फेंकने को आम जुबान में जब हम हमारी जुबान से आवाज हम बाहर फेंकते हैं इसको हम लफ्स कहते हैं कोई भी चीज जो हम जुबान से बाहर निकालते हैं इसको हम लफ्ज कहते हैं हमारी जुबान से जो भी हवा जो भी आवाज बाहर निकल जाती है इसको माने में कहते हैं। अब इस लफ्स की बेसिकली दो दोस्में होंगी या तो जो मैं जुबान से बात आपसे कर रहा हूं या तो उसका कोई मतलब होगा माने होगा या तो इसका कोई मतलब नहीं होगा जैसा छोटा बच्चा भी जुबान से बाहर आवाज निकालता है मगर कभी हमें उसकी समझ में बात आती है कभी नहीं आती इसी तरह जुबान से जो भी हम बाहर आवाज़ निकालते हैं उसको लफ्स कहते हैं अगर ये लफ्स हमने बाहर जो मुँह से निकाला अगर इसमें माने होगा तो बामाना लफ्स को हम कलमा कहते हैं ठीक है और बेमाना लफ्स जो है जिसका कोई माने नहीं उसको हम मोहमिल कहते हैं और मोहमल जो है ये ऐसा कलमा है जिसका कोई मतलब नहीं कलमा नहीं बल्कि इसको हम कहेंगे लफ्ज़ ऐसा लफ्ज है जिसका कोई मतलब नहीं मिसाल के तौर पर आम जुबान में हम कहते हैं हम चाय शाय पियेंगी चलिए हम चाय शाय पियेंगे ये जो चाय लफ्ज है ना ये कलमा है क्योंकि इसका मतलब है समझते हैं और जो शाय है इसके साथ हमने जोड़ दिया ये एक्चुअली मोहमल है क्योंकि ये बेमाना लफ्ज है इसको मोहमल कहते हैं याद रखिएगा कुरान मजीद में कोई भी लफ्ज़ कोई भी कलमा आप कलमा समझिए कोई भी कलमा कुरान मजीद में बेमाना नहीं यानी ऐसे ऐसा कोई भी हर्फ, ऐसा कोई भी लफ्स कुरान मजीद में बेमाना नहीं यानी मोहमल नहीं है तो महमिल जो है हमारा टॉपिक नहीं होगा हमारा टॉपिक जो होगा वो कलमा हो ठीक है ये बुनियादी बात समझ में आपकी आ गई तो कलमा जो है वो बामाना लफ्ज़ यानी जो भी, तो भी हमारे मुंह से माने के साथ कोई लफ्ज़ निकलता है उसको हम कलमा कहते हैं ठीक है अब अरबी में इस कलमे की यानी जो बामाना लफ्ज़ हमारे मुंह से निकलता है अरबी में इस कलमे की तीन किस्में हैं या तो ये तो 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 बामाना लफ्ज़ जो हमारे मुंह से निकला जिसको हमने कलमा कहा या तो ये इस्म है या फिर ये फेल है या फिर ये हर्फ है इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा अरबी में जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है जैसे हमारे पास उर्दू में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है अरबी में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब अरबी में जो बुनियादी ग्रामर के तीन असूल है वो या तो इसम या फेल या फिर हर्फ यानी अरबी में जो भी आप लफ्स देखेंगे या फिर वो इसम होगा या वो फेल होगा या वो हर्फ होगा बस इन तीन के अलावा कोई भी चीज़ अरबी में आप नहीं पाएंगे So, कलमा जो हमारी मुँह से ऐसा ल, लफ्स निकला जिसका माने हैं वो अरबी में या इसम होगा या फेल होगा या हर्फ होगा इस चीज़ को यहाँ पर हमने चार्ट में बना दिया है कि लफ्स यानी मुँह से जो बात निकलती है अगर वो बामाना हो तो कलमा कहलाता है अगर वो बेमाना हो तो मोहमिल कहलाता है क्योंकि बेमाना हमारा क्योंकि टॉपिक है नहीं इसको हम छोड़ देते हैं और बामाना जो हमारे पास लफ्स मुंह से निकलता है जिसको हमने कलमा कहा या ये इसम होगा या फिर फेल होगा या फिर हर्फ होगा ठीक है इस बुनियादी बात को आप समझ गए अच्छा आप अब, अब एक एक करके इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि इसम किसको कहेंगे फेल किसको कहेंगे और हर्फ किसको कहेंगे ठीक है क्योंकि हमारा मकसद कुरान मजीद को समझना है और कुरान मजीद में जितने भी हमारे पास अब अल्फाज है लफ्ज की जमा अल्फाज ल्फ जितने भी कुरानी मजीद में हैं वो तमाम कलमा है वो महमिल नहीं है और अगर वो कलमा है या तो वो इसम है या फिर वो फेल है या फिर वो हर्फ है तो सबसे पहले बात हमें क्या करना है हमें ये समझना है कि कुरान मजीद के जो अल्फाज है ये इसम है फेल है या हर्फ है इस चीज को हमें सबसे पहले मलहूज नजर रखना है सबसे पहले इसम किसको कहेंगे जरा डेफिनेशन दे दीजिए इसम कि कहते हैं इसम वो लफ्स है यानी वो कलमा है जो किसी के नाम को जाहिर करे किसी की जगह को जाहिर करे किसी चीज़ को जाहिर करे और उसकी अच्छाई या बुराई यानी उसकी सिफ को जाहिर करे यानी अरबी में इसम कहते हैं ऐसे लफ्स को ऐसे कलमे को जो किसी के नाम किसी जगह का नाम किसी शख्स का नाम किसी चीज का नाम और नाम के साथ साथ उसकी जो सिफ है अच्छाई या बुराई उसको जाहिर करे अब यहाँ पर देखिए अंग्रेज़ी या उर्दू में इसम की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ इतना है किसी का नाम है ठीक है चाहे वो जगह का नाम है शख्स का नाम है चीज़ का नाम है मगर अरबी में इसम को न सिर्फ ये कि नाम है बल्कि उस चीज़ उस जगह उस शख्स की अच्छाई या बुराई को जाहिर करने के लिए जो लफ्ज बयान किया जाता है वो इसम है मिसाल के तौर पर अल्लाहु अल्लाहू यानी हजरत अल्लाह हमारा परवरदिगार जिसने हमें बनाया ये इस्म है ठीक है ये किसी का नाम है इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर अजीम का नाम ये इस्म है किसी का नाम है हमारे हज़ूर का नाम है पैगम्बर अजीम का नाम है मकैतु मकैतु मक्का जो है ये किसी जगह का नाम है मक्कामकरमा जहाँ पर खाने काबा है लोग उम्र हज करने के लिए आते हैं सऊदी अरबिया में है तो मक्का तो किसी जगह का नाम तो ये भी हमारे पास इसम है गफूर बेहतरीन मगफरत करने वाला या खूब मगफरत करने वाला गफूर तो ये गफूर जो है ये सिफ तो ये गफ़ूर जो है ये भी हमारे सामने इसम है रसूल पैगम्बर चीज पहुंचाने वाला बात पहुंचाने वाला रसूल किसी का नाम किसी की सिफ ये भी हमारे पास इसम है बाबुन बाबुन दरवाजा ठीक है किसी चीज, चीज का नाम ये भी इसम है फ्लैट ठीक है फ्लैट जो होता है ये भी हमारे पास इसम है शमसुन सूरज किसी चीज, चीज का नाम सूरज सन ये भी इसम है तिफल कहते हैं बच्चे को ये भी इस्म है मा उन पानी ये चीज का नाम है ये भी इसम है सितारा, स्टार ये भी इसम है सादिकुन, सच्चा। सच्चाई क्या है वो सिफ्त है ना तो कोई सच्चा होगा उसकी सिफ्त बयान की जाती है, है। साल नेक कोई शख्स नेक है तो वो भी इसम है ठीक है क्योंकि उसकी सिफ्त है ये फ़ासिकुन कोई फासिक है गुनागार है तो ये उसकी सिफ्त है यह भी इसम है काउ का बुन तारा सुबह का तारा तो ये भी एक्चुअली इसम है तो इसम हो गया किसी भी जगह किसी भी शख्स किसी भी चीज के नाम को और उसकी सिफ्त को चाहे वो सिफ उसकी अच्छाई से हो या बुराई से हो इसको हम सिंपली क्या कहते हैं इस ठीक है यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि जब हम इसम पढ़ते हैं इसम पढ़ने की यानी कुछ अरबी में कुछ इंडिकेशंस है इसम में एक इंडिकेशन तो ये है कि या तो उससे पहले अलिफ और लाम लगा हो जैसे अल-किताब, अर-रहमान, अल गफूर ठीक है या तो अलिफ लाम लगा होगा या फिर आखिर में तशदीद होगी दो जबर होगा दो जेर होगी या दो पेश होगा जिसको हम तनवीन कहते हैं या तो अलिफ लाम होगा जब भी किसी भी लफ्ज़ अरबी में अलिफ लाम आप देखेंगे सिंपली आप याद रखिएगा ये इसम है और या तो आखिर में तनवीन होगी दो दो पेश हो सकता है दो जेर हो सकता है दो जेर हो सक दो ज़बर हो सकता है मैंने तशरीद कहा तशरीद को छोड़ के तनवीन याद रखिएगा तनवीन का मतलब दो जबर दो जेर दो पेश। याद रखिएगा अगर अल्फलाम इब्तिदा में लग गया तो आखिर में तनवीन नहीं होगी दो जबर दो जेर दोपेश नहीं होगा जब भी अलिफलाम लगता है तो आखिर में तनवीन नहीं आती और अगर अलिफलाम नहीं लग गया तो आखिर में तनवीन आती है मगर ये मैं जो आपको आपसे बात अर्ज कर रहा हूं ये नाइनटी परसेंट ऐसे अल्फाज हैं जो इसम कहलाते मगर उसके अलावा भी हमारे पास जैसे अल्लाह में अलिफलाम लगा नहीं है या मक्का तू में यहाँ कोई अल्फलाम नहीं लग लगा है और आखिर में आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक पेश है ठीक है तो याद रखिएगा ये बाकी जो टेन परसेंट है जिसके बारे में मैं इन आपको पढ़ाऊंगा मगर ज्यादातर अगर आपको इसम को पहचानना है आखिर में या तो उसके ऊपर तनवीन होगी दो पेश दो जबर दो जेर या तो इब्तदा में अलिफ लाम होगा याद रखिएगा अलिफ लाम और दोनों यानी आखिर में दो पेश दो जेर दो जबर तनवीन ये इकट्ठे नहीं आ सकती ये रूल है ठीक है आप बीच में माइक खोल सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कोई कंफ्यूजन हो मैं आपको फ्री कर रहा हूं अगर बीच में कोई सवाल आए या समझ में नहीं आए तो उसको हम दोहरा सकते हैं। तो ये तो बात हुई इसम की अब हम दूसरी भी बात करेंगे दूसरा जो हमारे पास कलमे का किस्म है वो है फेल और फ़ेल कहते हैं ऐसे लफ्ज को यानी ऐसे कलमे को जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले और उस काम का जो ताल्लुक हो किसी ज़माने से हो यानी फेल आम जबान में कहते हैं किसी काम के करने को मगर वो काम किसी ज़माने के साथ मुंसलिक हो मिसाल के तौर पर मैं काम कर रहा हूं मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं एक काम कर रहा हूं ना आपसे बात कर रहा हूं और ये मैं अभी कर रहा हूं इस वक्त का जमाना है या मैं आपसे कह सकता हूं मैंने खाना खाया तो मैंने ऐसे जमाने में खाना खाया जो गुजर चुका है या मैं इंशाला कल आपसे बात करूंगा तो कल बात करूंगा फ्यूचर की बात हो रही कोई भी काम या ऐसा कोई भी लफ्ज जिससे काम जाहिर हो और साथ में जमाना भी पाया जाए ऐसे यानी मे को हम फेल कहते हैं ठीक है अब इसमें जो जमाना है या तो वो माजी गुजरा हुआ जमाना होगा या हाल अभी जो जमाना चल रहा है ये होगा या मुस्तकबिल, यानी ऐसा जमाना है जो आने वाला है मिसाल के तौर पर खलाका जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं खलाका उसने पैदा किया अल्लाह ने पैदा किया खलाकाने पैदा किया गया यह माजी की बात है यख्लुकू वो पैदा करता है या पैदा करेगा या अब वह इबादत करता है या इबादत करता रहेगा यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता चलू हर एक जुबान में तीन जमाने पाए जाते हैं गुजरा हुआ जमाना माजी अभी का चलने वाला जमाना जिसको हम, वाल हम कहते हैं हाल आने वाला जमाना उसको हम कहते हैं मुस्तबिल अरबी में माजी है गुजरा हुआ जमाना और अभी का जो जमाना चल रहा है ना हाल और आने वाला जमाना मुस्तबिल इन दोनों को क्लब किया गया है एक ही जमाना बनाया गया है जिसको कहते हैं मुजारा तो अरबी में सिर्फ माजी और मुजारा है माजी कहते हैं गुजरे हुए ज़माने में मुजारा जो है इसमें दोनों जमाने आते हैं अभी का भी जमाना और आने वाला जमाना दोनों याद रखिएगा जिस मिसाल इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है यखलुकू इसका दोनों ज़माने पाए जाते हैं वो पैदा करता है इन्हें अभी करता है पैदा या यख्लुकू वो पैदा करेगा क्योंकि दोनों माने इसके हैं इसमें फाल भी आएगा और मुस्तबिल इन इसको हम आगे पढ़ाएंगे सिर्फ मैं आपको अभी डेफिनेशन दे रहा हूँ तीसरी चीज जो है इस्म और फेल के बाद वो है हर्फ हर्फ कहते हैं ऐसे लफ्ज़ को या ऐसे कलिमे को जो ना इसम हो ना फेल हो यानी जो भी अब बचा कुचा इसमें रहे रह रहता है अरबी में ना वो इस्म है यानी किसी चीज़ का नाम नहीं किसी जगह का नाम नहीं किसी शख्स का नाम नहीं किसी सिफ चाहे अच्छाई बुराई का नाम नहीं इसी तरह किसी जमाने के साथ काम करने का नाम नहीं जो भी बचा कुचा रहता है बाकी अरबी में उसको हम हर्फ कहते हैं मिसाल के तौर पर इला मैं कहूंगा अल मस्जिद मैं मस्जिद तक यानी मस्जिद तक ये जो इला आ गया ये हमारे पास हर्फ है मिन से मिन अल्लाह, अल्लाह से तो ये से जो है मिन जो है ये हर्फ है फी मैं यानी फिलहती यानी बाग में जो फी मैंने लगाया ना ये हर्फ है क्योंकि ना इसम है ना फेल है इसी तरह आला, आला मतलब ऊपर ना ये, ये, या ये चीज याद रखिएगा हर्फ के बारे में अब इसम फेल और हर्फ के अलावा यहां एक और चीज याद रखिएगा उर्दू में भी पढ़ा होगा वो होता है मसदर मसदर जो है ना वो एक्चुअली इसम ही होता है वो किसी चीज का नाम होता है मिसाल के तौर पर दौरबुन दौरबुन का मतलब होता है मारना कंफ्यूज ना होइएगा मारना जो है ये चीज का नाम है किसी अमल का नाम है मारना तो ये इसमी हो इसमें ठीक है अगर मैं कहूंगा यद रिबू उसने मारा यानी मारता है या मारेगा मारता है या मारेगा तो वो फेल हो गया वो इसम नहीं आएगा मगर दौर जो है उस मारने का जो अमल है जो कोई भी काम है ये एक्चुअली मसदर कहलाता है और मसदर जो है वो इसम है मसदर जो है वो फेल नहीं है यहाँ पर कंफ्यूजन होता है इसीलिए मैंने आपके सामने ये बयान किया गया और मसदर ये भी इसलिए भी इसम है क्योंकि इसमें यानी काम तो पाया जाता है मगर इसमें ज़माना नहीं पाया जाता ये इसी इस वजह से भी ये यानी इसम है मसदर और मस्तर में एक और चीज ये भी है कि जब भी हम मस्तर पढ़ते हैं तो आखिर में हमारे पास दो पेश होता है दो जबर या दो जेर होता है ज्यादातर दो पेश ही होता है तो इससे भी हमें पता चला ये इसमें ठीक है ये बुनियादी बातें मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी अब जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं आपको पता है कि इंग्लिश में हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी जो भी इंग्लिश में यूज होता है उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं इसके हमारे पास आठ कैटेगरीज है यानी कोई भी जबान से जो हम बात निकालते हैं या तो वो नाउन होगा प्रोनाउन होगा एडजेक्टिव होगा एडवर्ब होगा वर्ब होगा प्रिपोजिशन होगा कंजक्शन होगा या आर्टिकल होगा ये हम इंग्लिश में पढ़ते हैं पढ़ाते हैं अरबी में मैं जैसे कि आपके सामने आरज किया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो सिर्फ तीन है या तो इसम है और इसम में नाउन भी आएगा प्रोनाउन भी आएगा एडजेक्टिव भी आएगा और एडवर्ब भी आएगा तो जो इंग्लिश में चार चीजें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब है वो अरबी में चारों चीजों का एक ही नाम है वो है इस इंग्लिश में जो वर्ब है उसको फेल कहते हैं और इंग्लिश में जो प्रिपोजिशन कंजक्शन और आर्टिकल है उसको अरबी में हर्क कहते हैं तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इंग्लिश में आर्ट है वो अरबी में क्लब हो के सिर्फ हमारे पास तीन रह जाते हैं इसम मैंने आपके सामने बयान किया नाउन नाउन हो सकता है प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब जैसे अराजुल आदमी का नाम निमरुन टाइगर ठीक है किताब किताब दुबई किसी जगह का नाम याउन डे जमील उन खूबसूरत सिर्फ़ है ना इब्राहिम इब्राहिम का नाम हुआ वो प्रोनाउन भी आ गया तो ये तमाम जो चारों की चारों चीजें हैं उसको हम इसमें कवर करते हैं फेल वर्ब को कहते हैं वर्ब में पास्ट इम्परफेक्ट जो टेंसेज है प्रेजेंट है फ्यूचर है प्रोहिबिशन है यानी किसी को आप मना कर रहे हैं या आप इंपरेटिव है कमांडिंग है किसी को हुक्म दे रहे हैं ये तमाम चीजें वर्ब में आएंगी जैसे मिसाल के तौर पर किसी को आप कहेंगे अकलू अकला मैंने खाया कोई चीज मैंने खाया याकुल मैं खाता हूं या खाऊंगा कुल खा जाओ यानी हुक्म दिया जाता है खाओ है ना कुल इसको खाओ ये खाफ से नहीं क्या से कुल है इसको भी याद रखिएगा और हर्फ मैंने बताया हर्फ कहते हैं पार्टिकल को इसमें प्रिपोजिशन आएगा पार्टिकल्स आएंगे प्रिफिक्स आएंगे कंजक्शन आएगा जैसे वा है ना जैसे वाल असर वाल असर में जो वाव जबर वाह है वो हर्फ है है ना या बीच में बहुत सारी जगह आप अफवाह देखेंगे इसी तरह ला नहीं मिन फ्रॉम सुम्मा देन साउफा विल ये आल जो ये नहीं, ये नहीं, जितने भी जो अल्फाज है जो इसम और फेल के जुमरे में नहीं आते वो हर्फ कहलाते आखिर बात जो आज का लेक्चर का हमारा रहेगा मैंने आने की इसको तजवीज के लेक्चर में क्लियर किया है चूंकि अब जब हम यानि अरबी ग्रामर में आ रहे हैं तो आपको जो अरबी अल्फाज है ना वो भी सही आप मतलब आपको प्रोनाउंस करना है अक्सर हम जो बरसर में रहने वाले कश्मीर से रहने वाले जब हम किसी का नाम बोलते हैं ना हम शमसी और कमरी हरूफ का जो यानी एसेंस है उनको खत्म कर देते हैं याद रखिएगा है ये जो यहाँ पर आपके सामने ग्रुप है ताम ता, ता, और नून ये हरूफुल यानी अल अलरूफ शमसिया है शमसी हरूफ और मैंने आपको बताया जिस तरह सूरज दिन में तारों को छुपाता है हालांकि तारे अपनी जगह पे होते हैं इसी तरह ये हरूफ जो आपके सामने शमसी हरूफ है ये लाम को छुपाते हैं यानी अलिफ लाम अगर इब्तदा में होगा तो लाम को छुपाएंगे मिसाल के तौर पर अलिफ और लाम है फिर है तोय बातु अगर हम इसको मिलाएंगे तो हम पढ़ेंगे अब तोय बातु अल तोय्य बातु नहीं पढ़ेंगे क्योंकि त्वः ने लाम को छुपा दिया

अस अल सकीनता नहीं, अल नहीं, है, अल नहीं, है, अल नहीं है अल अरती अल नहीं है, हैदीना नहीं है नहीं है, लतीफ़ ये लाम अलग है <coughs> लतीफ उनका यहाँ अल और लतीफुन जो है ये लाम लतीफुन का है वो यूज होता है इसके बारे में ये जो आपके सामने हुरूफ है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 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 सोलह اسم حمزة با جيم عين غين فا قاف كاب ميم ها و وريا هي یہ حروف القمریہ کہلاتے ہیں یعنی يعني الف لام کی موجودگی میں لام پڑا جاتا ہے جیسے هو الاول والآخر یہاں تر البارئو اب بارئو نہیں پڑھیں گے لام کو پڑھیں گے اسی طرح ورب الغنی الحمید الجبار الجبار نہیں پڑھیں گے الكریم الوکیل العزيز अलफा القادر اليمين المؤمن الهادي या الهدا. अब इनको याद कैसे रखा जाए देखिये मैं आपको कमरी जितने भी हमारे पास हरूफ है ना इनका एक यानी एक सेंटेंस आपको बता देता हूँ उससे आपको कमरी हरूफ याद रहेंगे बाकी जितने बच जाते हैं वो शमसी हरूफ है जैसे कमरी हरूफ को याद रखने का आप ये एक जुमला याद रखिएगा हक का खौफ अजब गम है

हमने पढ़ा लतीफ। मगर लतीफ का लाम जीवो? अपना है ना हमने वो वाला लाम नहीं पढ़ा आप देखिए में पर दो लाम एक तो अलिफ लाम का लाम है दूसरा लतीफ का अपना लाम है ना हमने वो लाम पढ़ा ये वाला लाम नहीं पढ़ा जो अलिफ लाम का लाम है लतीफ पढ़ सकते मगर वो लाम कौन सा लतीफ हमने पढ़ा ये लतीफ का अपना लाम है अलिफ लाम वाला लाम नहीं पढ़ा हाँ ये याद रख चलिए जजाकुल्ला खैर आज हमने आज इब्तदा किया आने वाले दुरूस इसी तरह रहेंगे अल्लाह तबारा से दुआ है कि हमारी इस काबिज को कबूल फरमाए असल वरम्हि वरक